एक किलोवाट आवर बराबर डैश जूल होता है। आसान प्रश्न है, आप बहुत बार किए भी हैं इसको, देखिए कैसे आसान प्रश्न है। तो एक किलो वाट आवर, यहां देख लीजिए, एक किलो वाट आवर बहुत बार मैंने आपको बताया है बराबर 3.6 इंटू 10^6 जूल होता है। और किलो वाट आवर है तो बच्चे आपको पता है कि 3.6 तो गुना कर देते हैं, पॉइंट एक घट गया तो इस पर 5 0, ये देखिए 3 2 5, तो एक सुना ये हो गया। तो 36 पर 5 0 देखिए कहां पर है, ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये आपका हो जाएगा। और बच्चे किलो वॉट आवर को हम वॉट कहते हैं, बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट कहते हैं, इसको बोर्ड ऑफ ट्रेड यूनिट भी कहा जाता है। और जब भी किलो वॉट आवर की चर्चा हम लोग करेंगे तो याद रखिएगा पावर, पावर गुना एन गुना टी, एन क्या हुआ नंबर ऑफ यूनिट्स, जितना यूनिट इलेक्ट्रिकल यूनिट कार्य कर रहा, बटे 1000, यही दे देता है आपको किलो वॉट आवर या वन यूनिट का वैल्यू दे देता है। और आपको घरेलू विद्युत खपत भी इसी के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, मेजर्ड आउट करते हैं, निकालते हैं बच्चे, किसका तो घरेलू विद्युत खपत भी इसी के द्वारा निकाला जाता है। बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं। यहां देखिए अर्थ, ठीक है, ओवरशूट डे किस स्थिति को मनाया जाता है, तो बच्चे अर्थ ओवरशूट डे ध्यान दीजिएगा, अर्थ ओवरशूट डे आपको पता होगा कि बहुत पहले की बात है, बहुत पहले की बात है, आपको 1992 में क्या हुआ था, तो 1992 में हाँ ये सम्मेलन हुआ था, कहां पर तो बच्चे ये सम्मेलन हुआ था ब्राजील के रियो डी जेनेरो में, जिसके द्वारा पृथ्वी को बचाने की बात की गई, किसके बचाने की बात की गई तो पृथ्वी को बचाने की बात की गई थी, ध्यान में रखिएगा पृथ्वी को बचाने की बात की गई थी ब्राजील के रियो डी जेनेरो में, कहां पर हुआ था 1992 में ब्राजील के रियो डी जेनेरो में, ध्यान दीजिएगा ब्राजील के रियो डी जेनेरो में एक सम्मेलन हुआ था, जिसको हम ब्राजील के रियो डी जेनेरो में, रियो डी जेनेरो में एक सम्मेलन हुआ था, जिसके द्वारा हम लोग क्या करते थे, तो इसके इस सम्मेलन में एक डिसीजन लिया गया जिसके द्वारा पृथ्वी को बचाने की बात की गई, पृथ्वी को, ठीक है, पृथ्वी को बचाने की बात की गई कि हम ऐसा काम करें जो पृथ्वी बच सके। और यह अर्थ ओवरशूट डे 22 अगस्त 2020 को मनाया जाता है, 22 अगस्त 2020 को, ध्यान में रखिएगा। और अर्थ ओवरशूट डे का उद्देश्य है, ठीक है, कि हमारे पृथ्वी पर जो जैव विविधता है, ठीक है, वो एग्जॉस्ट ना कर जाए, हम अपने, ठीक है, जो आने वाली पीढ़ी है उसके लिए उसको सुरक्षित रख सकें, उसके लिए यह अर्थ ओवर सूट डे, ठीक है, मनाया जाता है बच्चे। चलिए बहुत अच्छी बात है, यहां देखिए CO2 के 22 ग्राम को मोल में कैसे व्यक्त करेंगे, बहुत अच्छी बात है बच्चे। CO2 ये कार्बन डाइऑक्साइड है, और कार्बन डाइऑक्साइड यानी 12 ग्राम कार्बन का और ऑक्सीजन का 32 ग्राम मिला के हो गया 44 ग्राम, ध्यान दीजिएगा कार्बन डाइऑक्साइड यानी 44 ग्राम बच्चे, 44 ग्राम आपको ये मॉलिक्यूलर वेट हो गया। तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने के लिए हम एक तरीका बताते हैं आपको बार बार कि नंबर ऑफ मोल्स कैसे निकालिएगा, तो नंबर ऑफ मोल्स बराबर दिया गया द्रव्यमान बटा आणविक द्रव्यमान, याद रखिएगा गिवन मास बटा मोलर मास पर हम चर्चा करते हैं बार बार, तो 22 आप बटा 44 कर दीजिए तो बच्चे 1/2 यानी 0.5 मोल हो जाएगा। यहां पर देखिए 0.5 तो नहीं है, 1/2 है, तो 1/2 मोल हो जाएगा। याद रखिएगा कि जब भी, ठीक है, मोल की बात करते हैं बच्चे, किसकी बात करेंगे, मोल की बात करेंगे, तो ध्यान में रखिएगा मोल क्या होता है, तो 1/12 गुना मास ऑफ वन एटम, मास ऑफ वन एटम ऑफ, ठीक है, वन एटम ऑफ 6C12 होता है, 6C12 होता है, इसको हम क्या बोलते हैं, तो मोल कहते हैं बच्चे, नंबर हो जाएगा। मोल पदार्थों की मात्रा को मापने का एक तरीका है, और मैं बार बार बताता हूं कि मोल क्या होगा, तो कोई भी परमाणु भार है, अनुभार है, वह एक मोल के बराबर होता है, कोई भी परमाणु भार या अनुभार एक मोल के बराबर होगा बच्चे। चलिए आगे बढ़ते हैं, बड़ा कम बच्चे आज जुड़े हुए हैं, बच्चे जल्दी से जुड़िए। यहां देखिए जब कोई अम्ल किसी धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट से अभिक्रिया, ठीक है, करता है, तो तदनुसार लवण
कार्बन डाइऑक्साइड पानी बनाता है। इस रासायनिक समीकरण बच्चे क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि अम्ल है, एसिड है, एसिड रिएक्ट कर गया किससे, तो सोडियम कोई भी ठीक है धातु मेटल, मेटल कार्बोनेट ठीक है, मेटल कार्बोनेट या ठीक है मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कर गया, या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट से रिएक्ट कर गया, तब ये क्या बनाएगा, तो तब ये बनाएगा क्या बनाएगा, एक तो सॉल्ट बनाएगा, दूसरा क्या बनाएगा तो वाटर बनाएगा, तीसरा क्या बनाएगा तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। एकदम ध्यान में रखिएगा कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाएगा। तो अब देखिए यहां पर हम बात कर लेते हैं, ये देखिए Na2CO3 प्लस HCl तो ये बन गया 2NaCl लवण ठीक है, H2O और CO2 दो बार दिया हुआ, H2O कितने बार दिया हुआ है, दो बार दिया हुआ है, तो 2CO2 बच्चे ये बैलेंस्ड नहीं है, ये बैलेंस नहीं है। यहां देख लीजिए HCl है तो NaCl, 2NaCl होना चाहिए था 2NaCl, यहां देखिए 2NaCl प्लस H2O प्लस CO2, 2NaCl प्लस H2O ठीक है, H2O प्लस CO2 हो गया बच्चे। यहां देखिए दो यहां हाइड्रोजन ऑक्सीजन, यहां एक तीन ऑक्सीजन, तो यहां पर ही तीन ऑक्सीजन, ये आपको ऑप्शन सही है देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहां देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो डैश द्वारा प्रजनन बच्चे मैं ठीक है ध्यान में रखिएगा, डैश द्वारा प्रजनन के लिए अधिक विविधता की अनुमति होती है बच्चे ठीक है, याद रखिएगा कि सबसे अधिक जो ठीक है विविधता उत्पन्न होती है वह ठीक है लैंगिक प्रजनन के द्वारा होता है, किसके द्वारा, लैंगिक प्रजनन के द्वारा। क्यों होता है बच्चे, लैंगिक प्रजनन यानी यौन प्रजनन के द्वारा होगा, लैंगिक प्रजनन के द्वारा होता है। क्यों होता है ऐसा, तो बच्चे लैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि जीन जीन ठीक है जीन आपस में मिश्रित होते हैं, ध्यान में रखिएगा जीन आपस में क्या होगा, आपस में मिश्रित होते हैं, जिसके कारण आपको बहुत अधिक आपका म्यूटेशन होता है यानी परिवर्तन होता है, उत्परिवर्तन होता है, जिससे नए ठीक है नए संरचना वाले जीव का उद्भव होता है। अलैंगिक प्रजनन में आपको विविधता नहीं होती, देखिएगा कि पेड़ पेड़ के ही भांति दिखेगा। क्या मैं बता रहा था कि अलैंगिक प्रजनन में क्या होता है कि पेड़ पेड़ के ही, एक कोई पौधा है रोज का, मान लीजिए कि रोज का पौधा है यानी गुलाब का पौधा है, तो उसको अलैंगिक प्रजनन के द्वारा अगर उसमें प्रजनन होगा तो वह क्या होगा, सेम दिखेगा बच्चे, क्योंकि यह कायिक जननन होता है। उत्तक संवर्धन में भी वही बात होगा, वनस्पति प्रसार में भी वही, वनस्पति प्रसार के द्वारा ठीक है पादप जो है अपनी संख्या को बढ़ाता है बच्चे। तो सबसे अधिक ठीक है सबसे अधिक आपको विविधता एडेप्टेशन यानी आपको ठीक है डिसिमिलरिटी किसके द्वारा होगा, तो लैंगिक प्रजनन, क्योंकि जीनों का यहां क्या होता है, जीनों का आपस में ठीक है जीन आपस में मिश्रित होते हैं बच्चे। यहां पर क्या होगा, जीन आपस में मिश्रित होते हैं। अब आपके दिमाग में चल रहा होगा जीन क्या है, जीन जो है बच्चे वो कोडोन है, याद रखिएगा जीन डीएनए का कोडोन है, याद रखिएगा डीएनए का क्या होता है, तो कोडोन होता है, कोडोन मतलब क्या हुआ, कोड बना होता है, और ये या एडेनिन या ठीक है थायमिन या ठीक ग्वानिन या साइटोसिन, इसका कोडोन पाया जाता है बच्चे। डीएनए आपको डीएनए में नाइट्रोजिनस बेस पाया जाता है, और मैं बार बार बताता हूं कि आपको प्यूरीन और पायरिमिडीन दो प्रकार के बेसिस नाइट्रोजिनस बेस पाए जाते हैं, और ठीक है एडेनिन ग्वानिन थायमिन और साइटोसिन, एडेनिन ग्वानिन थायमिन और साइटोसिन पाया जाता है।